एक ही कहते हैं कि हमारे यहाँ ग्यारहवीं पर बच्चों के गले में चांद डाला जाता है ये चांद डालना कैसा है देखें इसकी कोई शर हैसियत नहीं है और मैं अक्सर अपने इस दिल की कोड़न और जलन का इजहार करता हूँ कि हर वो चीज़ जो असल दिन से हट कर है उसमें हमारे लिए अट्रैक्शन है उसके लिए हमारी पाबंदी है उसमें हमें इस्तकाम हासिल है और जो कुरान और हदीस के अंदर बरह रास्त चीज़ मौजूद है उसकी तो वाकफियत तक हासिल नहीं है उस पर अमल पैरा होना तो दूर की बात है तो ये आपके घरों में जो रसूमात हैं जो मामूलत हैं अगर सबसे पहले तो ये चेक करवा लें किसी आलिम दीन से कि भाई ये शरीय के मुताबिक भी हैं कि नहीं और अगर हैं तो फिर ये देखें कि उनकी इम्पोर्टेंस कितनी है कि ऐसा तो नहीं कि इनमें मशहूलियत की वजह से आप फ़र्ज छोड़ रहे हो इल्म फ़र्ज़ इल्म हासिल नहीं कर रहे आप अपनी बातनी असलाह पर जो तवज्जो चाहिए थी वो नहीं कर रहे बातनी गुनाहों पर आपकी तवज्जो नहीं है चांद डालने में लग गए बच्चे के गले में इससे क्या फ़ायदा होगा यानी बेकार हर वो चीज़ के जो चीज़ कोई इतनी बड़ी नाफ़े नहीं है उसमें हमारी मशहूलीत हमारा इसतराक हमारी तवज्जो हमारा इनहमाक और हमारी इस तकामतिल दीद होती है और शरिय मामले के अंदर ये अगर बच्चे के गले में ग्यारहवीं में चांद नहीं डाला तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा लेकिन फ़जर की नमाज महीनों से कजा हो रही है आज तक कभी मुँह के ऊपर सदमा के आसार नज़र नहीं आए कभी गम नज़र नहीं आया पाँच हज़ार का नोट गिर गया तो इतना सा मुँह निकल आया और छः महीने तक अफसोस करते रहे नमाजें कज़ा कर रहे हैं साल साल से जरा बराबर सदमा नहीं है यह है वो खराबियां कि जब आप असल दिन से हटकर और इन रसमात में और इन रसमात के अलावा बाज़ खुराफ़ात में मुबला हो जाते हैं तो फिर आपके ऊपर ना कुरान असर करेगा ना हदीस असर करेगी ना आपके नबी की तालीम आपको मुतासर करेगी मुतासर करेगी तो महल्ले की एक औरत भाई देखो ऐसा कर लो सुना है घर में बहुत कुछ आता है क्या कर लें जी वैसे करो तुम फुला घर में जाना मनी प्लांट की बेल चुरा के लेकर आओ क्योंकि चुरा के जब लगाओगी ना तो उसमें बड़ी बरकत होती है और घर में पैसा आना शुरू हो जाएगा वो तो चोरी करने पहुंच गए साहब अरे भाई खुदा का खौफ करो अल्लाह ताला कुरान के अंदर रिस्क हलाल के तरगीब दे उसकी बरक़ात को बयान करे वो असर ना करें मोहल्ले की एक अम्मा बुरक़त संभालती हुई आकर ये मकूला सुना के निकल लें और आपको चोरी पर लगा दिया और आप पौधे को देख रहे हैं कि कब ये बड़ा होता है और कब आसमान से पाँच पाँच हज़ार के नोट गिरते हैं अल्लाह ताला ताली ज़ैफुल एतिकादी से हम सबको महफूज फरमाए ये कहते हैं अगर नमाज